दौरान गया की मोक्षदायिनी कही जाने वाली फल्गु नदी में श्राद्ध कंकान करने का प्रावधान है। फल्गु नदी में पिंडदान करने से पितरों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर तर्पण करने का महत्व है। यहाँ हजारों लोग फल्गु नदी में अपने पितरों और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करने के लिए पहुँचते हैं। इस साल 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आजकल की भागदौड़ भरी व्यस्त जिंदगी में अगर आप अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गया नहीं पहुँच पा रहे हैं तो परेशान मत होइए। बिहार पर्यटन विभाग आपके लिए ई पिंडदान का पैकेज लेकर आया है। इसके जरिए आप ऑनलाइन पिंडदान करके अपने पूर्वजों की आत्मा शांति की पूजा कर सकते हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने गया में पिंडदान के लिए ई पिंडदान का पैकेज लॉन्च किया है। इसके लिए पर्यटन विकास निगम की वेबसाइट पर आपको जाना होगा। इसके बाद खुले हुए विंडो में आपको जानकारी देनी होगी। गया में पितृपक्ष मेले की शुरुआत के साथ ये पैकेज 28 सितंबर तक जारी रहेगा। देश विदेश के श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण पिंडदान पैकेज के माध्यम से घर बैठे ही कर सकेंगे। इसके लिए 19,000 रुपए के साथ साथ 950 रुपए GST भी लगेगा। पर्यटन विभाग ने इस पैकेज के लिए बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट नंबर की घोषणा की है। रजिस्ट्रेशन में उपलब्ध करवाई गई राशि के बाद गया में उनके पितरों को विष्णुपद मंदिर और अक्षयवट में पिंडदान और फल्गु में तर्पण करवाया जाएगा। इसके अलावा पूजन सामग्री, पंडित और पुरोहित पर होने वाले खर्चे, कर्मकांड की वीडियो क्लिपिंग, फोटोग्राफ सभी श्रद्धालुओं को पिंडदान के बाद उपलब्ध करवाए जाएंगे। बता दें कि समय के साथ साथ गया में पिंडदान परंपरा को कंप्यूटराइज करने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं पर्यटन विभाग के इस पैकेज का गया का पंडा समाज विरोध कर रहा है। साथ ही 30 पुरोहित इसे धर्म के साथ मजाक बता रहे हैं। न्यूज डेस्क।